मिला है? बहुत ऊंची बात है। ए मानव तन क्यों मिला है? क्या अत्याचार करने के लिए, पाप करने के लिए, या पुण्य करने के लिए, या हत्या करने के लिए? मतलब ये मानव तन क्यों मिला है? ये बिरहा की आप लोग अपने पर लेके सुनिए प्रधान जी, ये बिरहा से आप लोगों की एक सीख जरूर मिली। काम आइटर साहब एक लाइन गीत लगल बा, चचा गीत बड़ी प्यारी है। ए गीत के स्वर्गीय बेचन गुरु गावत रहलन, जो हमरे जिला का गवैया रहलन, अब तो जिला बदल के उनकर मऊ जिला बन गया। बेचन गुरु गावे प्रधान जी, का कोई पचरा गई, का कोई लचारी गई? आज भी जितना बेचन गुरु का पचरा बज जाला मंदिर पर, उतना केव दूसरे कलाकार का ना बजे। अगर वो आवाज हमहान के कान तक प्रधान जी पहुंचे ले, तो मन करेला कि एक बार महान मूर्ति से मुलाकात हो जा। तो जाक 5 रुपया साल फास खाला हो जाए मुलाकात। कहा भाई? स्वर्ग में। सुबेर हो, शुभ शुभ बोला, नहीं तो फिर समझ लिया। एकदम सटीक बोल ले हिला। एक गीत के स्वर्गीय बेचन गुरु बड़े लहाय के अपने अंदाज में गावे, कि हमार अंदाज में कैसे। अरे आंगन में फोला फोला के नवाज नाना दो, अरे आंगन में फोला फोला के नवाज नाना दो, बाजले बधाई तो फरमाइश भी कई के लगा था, गलत कई नहीं है। कहे सब उठत बैठत में बड़ा जैसे उड़ लगा था। अब भाई बूढ़ो दादा लोग जब जाए लगे हैं। हाँ, ये लोग का उम्र भी हो गई है। अरे पागल घरे जात हुआ। अच्छा। बात पर ध्यान नहीं। विक्रमादित्य राजा सुतला में सपना देखलन, हम कौने जन्म को कौन ऐसा कर्तव्य कमाई कैले बनी कि हम ये जन्म में राजा हो गए। जैसे प्रधान जी कभी कभी आप भी सोचत होबा कि कौनो जन्म का बढ़िया कर्म कैले बनी कि ये जन्म में प्रधान बन गई। वही तरीके से विक्रमादित्य राजा सोचत रहलन, समझ में ना आयल, नगर में निमंत्रण भेजवा के बड़े बड़े विद्वान लोगन के अपने दरबार में बुला ललन। जैसे आप लोग बिरहा सुने बैठल हुआ, ऐसे दरबार में लोग बैठल हो, विक्रमादित्य राजा सवाल खड़ा कैलन। कले अरे मेरे नगरवासियों, मैंने पहले जन्म का कौन ऐसा कर्तव्य कमाई किया हूं जो इस जन्म में मैं राजा बन गया। पूरी दरबार में खाली हो गया। क्यों प्रश्न का उत्तर देबे न कैलस। विक्रमादित्य राजा बड़ा उदास हो गयलन, लेकिन बुढ़ू दादा मती जिन लठिया लले हुआ, एक ठे बुजुर्ग इंसान वही बीच में उठ के खड़ा हो गए। कला बचवा, हम तो बताई ना कि तू कौने जन्म का कर्तव्य कमाई कैले बड़ा बाबा, लेकिन एगो उपाय बतावत बनी, यहां से चल जा कृष्ण बन जंगल में, एक साधु मिली है, सवाल करवा जवाब मिल जाई। विक्रमादित्य राजा घोड़ा सवार कैलन, घोड़ा पे सवार होके जैसे ही कृष्ण बन जंगल में प्रवेश करत हुआ, तो एक ठे साधु बाबा वही जंगलवा में से निकल के गौवा के तरफ चलत हुआ, जोर से आवाज लगा दिए, ए बाबा ए बाबा ए। विक्रमादित्य राजा कहले, ए बाबा एगो हमार सवाल है जवाब मिली का? साधु बाबा कहले, का कहले? बस इहे बा कि हम पहले जन्म को कौन ऐसा कर्तव्य कमाई कैले बनी ए जन्म में राजा हो गई।
तो साधु बाबा कहला हे बचवा हम तो ना बता पाई, यहाँ से चल जा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में राजा के घरे एगो लड़का पैदा भल बा, उ मर गल बा, जइबा उसे सवाल करबा तो जवाब मिल जाई। विक्रमादित्य के और टेंशन बढ़ल, कौन जिंदा आदमी बताई न पावत हुआ, मुर्दा लाश बताई, लेकिन मन में भरम बा ओके मिटावे के बा, चलल हम छत्तीसगढ़ में राजा। तब भैल का मास्टर, अरे छत्तीसगढ़ में जाई जाबा देख राजा गनीला, अरे छत्तीसगढ़ में जाई जाबा देख राजा गनीला, मसिया धैला बा तू रे पे, नसिया धैला बा दुवरे पे। अब होय देखा विक्रमादित्य राजा घोड़ा पर सवार पहुंच गए छत्तीसगढ़ में, तो वा कही में राजा के दुआरे अपार भीड़ लगल बा, लड़का पैदा भेल बा उ मर गल बा। अच्छा राजो इंतजार ना कैलन, घोड़ा पर से उतरलन, तुरंत सबके हटावे लगलन, हटिए 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 हटिए। इस लाश से मेरा एक सवाल है, पूरी पब्लिक ये घबराई गई कि अरे देखे में कहीं का राजा लगत बा, लगत बा ये पागल हो गई, हर लाश लाश सवाल का जवाब दे। तब ना पूछी धना राजा, कले लाश तुम मुझे ये बता दे, मैं पहले जन्म का कौन ऐसा कर्तव्य कमाई किया हूं जो इस जन्म में मैं राजा बन गया। प्रधान जी कबो लाश तो बोली ना, लेकिन आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई कि हम ना बताई, पहले पैसा ले लो, यहां से चल जा मनिहारी गांव में। अब मनिहारी गांव में एक हीरा नाम का धोबी हुआ, वही धोबी का दुल्हीन उ धोबिनिया से सवाल करवा जवाब मिल जाई। और धोबी घाट पे कपड़ा धोवत तो से मिली। अब विक्रमादित्य राजा देरी न कैले, बाबू घोड़ा अपन हाथ धलन, अब निकल गईलन छत्तीसगढ़ से मनिहारी गांव में। जब मनिहारी गांव में गईलन तो धोबिनिया बेचारी कपड़ा धोवत के हाली हाली मने मने मुस्कुरात, या प्रधान जी कुछ गावत भी रहल। अच्छा मेहरारू कबो कुछ काम करे ली तो अक्सर उ गाय गाय के करेली, जब लात खाई तब ना गावेली। तो तू तीन दिन कहे प्रोग्राम छोड़ ले रहला, वो बता दा। वही देखा सारे के गले पे दागी लग गई ली है, दाग डाले है, बैठल ही बसी है चाहत बनी। बिरहा हमार कहां पहुंचल बा? मनिहारी गांव में। मनिहारी गांव में विक्रमादित्य राजा पहुंचल हवे, औ धोबिनिया वही धोबी घटवत पर कपड़ा कचारत बा, अम्मने मन में गावत बा। तबले राजा पिछवे से जाय के जोर से आवाज लगौलन, ए धोबिन रुक जा। तनी फिर से गाओ तो बड़ा मजा आवत हो। धोबिनिया इसे पीछे मुड़ के देखलस, कलस अरे इत देखे में कहीं का राजा लगत बा, ये धोबी घाट पे हम अकेले। बेइज्जत करी का गलल का ओकरे बतिया से लगत है।
धुबिनिया बिचारी कांप उठल, काहे से बतावल जला कि कहीं पराया पुरुष देख के अगर अकेल नारी बनी तो एक बार बेचारी दहस जाली, डर जाली, दहस ना जानी और झावक चक्कर पर जानी। अब धुबिनिया बेचारी ऐसे खड़ी है कि कांपे लगल। राजा कहलक कांपा मत, हाँ डरो मत, गाँव कायदे से एगो बात पूछे आल बनी वही के हमके जवाब चाहिए। धुबिनिया कहलक से बात, तो राजा कहला हाँ एगो हमार क्वेश्चन बा। धुबिनिया कहला सेतना दिन से कपड़ा धोवत है जिंदगी बीत गई, कौनो कोचे वाला कपड़ा तो नहीं आया। एक क्वेश्चन मतलब ये कौन कपड़ा धोबिन बेचारी तो जानत है कि कपड़ा कुछ बतावत हो। तो धुबिनिया कहला का चाही, राजा कहला आंसर चाही। धुबिनिया कहला से क्वेश्चन आंसर, तब समझ गए का वही कपड़ा में खर अंडर बियर आ गया था। धुबिनिया सोचत बा कि ये कौन कपड़ा बा, राजा कहले एगो हमार सवाल बा वही का जवाब चाहिए। तब धुबिनिया का जो सांस बा हाँ रुक गई ला तब तो मर जाई, रुकल ना के कहल जला। धुबिनिया का सांस अपने सही गति से चले लगल, एकदम फ्रेश माइंड हो गई। धुबिनिया कलस आप बताई आपका सवाल का हो। राजा कहले हमार सवाल यह बा कि पहले जन्म को हम कौन ऐसा करतब कमाई कैले बनी जोन ए जन्म में राजा हो गई ली। तब धुबिनिया जोन पुरान कपड़ा लस्ता रहल वही जब बिछा दलस, ले बैठ ई के हो ये धुबिनिया भैया हूँ ऐसा बिस्तरा लगा दलस, काला सरकार है पे बैठा आ अपने अगले जन्म का बात सुना। बड़ी ऊंची बात बतावत मत धोबिन का, क्या बात है, गीत बहुत प्यारी बा प्रधान जी। कोनो मरद मेहरारू इंद्रज भाई रात का सूतल रहलन छत्ते पे, पूरा कपड़ा पड़ा निखार रखे, इत हम ना जानकारी है। गर्मी का बेला रहा, गर्मी का बेला बा मेहरुआ अपने मर्दा के केहुनिया से ठेला था कि गर्मी कैसे जाई। तब तू ही कुल बताला, अच्छा हाँ तू ही कुल बताला, हमके चुप रहे था। धोबिनिया ऐसे ठेलत बा और ठेल के कहत बा, सॉरी मेहरुआ ठेल के कहत बा का रतिया होले गरम डोलना पवानवाना, ए गीतिया के हमरा जिला का गवैया बदल के गा दहलन, कालाई खटकौआ हो गई कैसे रतिया खटक गई खटके Yeah!
अच्छा मेहनत बढ़िया करत हुआ प्रधान जी, बहुत मेहनत करत हुआ। आज पहली संगत है, काहे से कहा जला कि अगर आदमी रोटियों बनावे जाई चौका बेलना बदल जला तो बड़ी मेहनत होली। मुठम पकड़े बन खरे देखी बिरहा पर ध्यान नहीं बाबू, अब का कैलन धोबिन बतावत बकल से सरकार, पहला वाला जन्म तोहर मुसहर कर रहल। अरे राजा तेवर में आ गेलन कल, अरे धोबिन हम मुसहर कर लईका धोबिनिया कला, हाँ सरकार तोहर माई तोहर बाबू एक ठे छोट भाई रहल आओ तू रहला एगो बहिन रहल, यह तोहर परिवार रहल। एक बार कबातवा राज में सूखा याद पड़ गयल, आ जब सूखा पड़ गयल तो तोहर माई एगो काम कैलिन, कौन काम कैली गीत बदल गई। क्या बात है, देखी गिरिजा शंकर यादव उपाध्यक्ष महोदय, होली मिलन समारोह बिरहा समिति बंदी पट्टी से चचा जी की तरफ से बहुत मेहनत केला चचा, अब अहिले आप लोग बैठे लई हमके खुशी बा। सब भाई इनके नमस्ते प्रणाम, 51 रुपए का पुरस्कार चचा जी की तरफ से। लेकिन बिरहा पर ध्यान नहीं बाबू, एक बार राज में सूखा पड़ गया, उधोबिन बतावत बा राजा से तबाही मच गई, भूखन प्यासन लोग मरे लगलन, तोहर माई कहीं बड़ा दूर गईलिन, थोड़ा से अनाज लेके अइलिन, पीस के पोई के रोटी बनौलिन, उ रोटिया तोहर पूरा परिवार खाए बैठल रहल। इतने में गो भिखारी आयल, अलख जगा दलस अलख निरंजन, मालिक दरबार से कुछ मिले तो परिवार वे तोहर पूरा रोटिया लेके अपन अपन चोरावे लगल। कई दिन का भूखायल भिखारी रोटिया के देख ललस, ओकरे अंदर से लालच बढ़ गई, काला सरे बचवा रोटी खात हुआ, कई दिन का भूखायल बनी लाल, एक टुकड़ा रोटी दे देता।
इतने में तुहरे पूरे परिवार का किस्मतिये बिगड़ गई और तुहार किस्मत बन गई। राजा के समझ में बात ना आई। राजा कला मतलब तक भोबिनिया बताओ तो जरा गौर करिएगा कि वो भिखारी के साथे राजा का परिवार करत का बा मास्टर साहब। अरे दान किए से नाही धनवा घटे लरे भैया, लेकिन धरा मावा से घट जाला ईमान। हो बहुत ऊंची बात लिखत हूं कवि जी प्रधान जी। दान किए से नहीं धनवा घटे लरे भैया, लेकिन अधर्मवा से घट जाला ईमान। आप दान करते रहिए आपका धन घटेगा नहीं, कहीं से ना कहीं से आपको मिलेगा, लेकिन गवैया बजवैयन के नहीं। अधर्म करेंगे आप अगर किसी के बारे में।